मेरे बर्थडे पे सुबह से शाम तक अक्षय मेरे साथ होगा। बहुत ही रोमांटिक बर्थडे प्लान किया है हमने, सिर्फ मैं और अक्षय। बहुत दिनों से हम कहीं बाहर खाना खाने नहीं गए हैं ना। चलते हैं ना, कल चलें। कल मेरी एक जरूरी मीटिंग है। मेनी मेनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे नंदिनी। क्या हुआ, ऐसे क्यों देख रही हो? क्या तुम भी आज कहीं बाहर जा सकते हो? तो ये सब डेकोरेशन वो डॉक्टर अक्षय के लिए। हैप्पी बर्थडे नंदिनी। थैंक यू सो मच जानू, थैंक यू। वैसे मिसेस सिन्हा कैसी हैं डॉक्टर साहब? ठीक ही होंगी। छोड़ो ना जानू, तुम मुझे बताओ इतनी देर क्यों लगा दी? मैं कब से इंतजार कर रही हूँ तुम्हारा। नहीं नंदनी, वो नर्सिंग होम में थोड़ा बिजी हो गया था। पता नहीं इतने सारे काम के बीच में आपको और जीजा जी को टाइम कैसे मिलता है? टाइम मिलता नहीं है, निकालना पड़ता है। आए हाय, क्या बात है दीदी, आपके अंदाज तो बड़े रोमांटिक होते जा रहे दिन ब दिन। क्यों, गलत बात है क्या? नहीं नहीं, बहुत अच्छी बात है, नजर ना लगे मेरी दीदी और जीजा जी को। आप बात कीजिए, मैं कप रख के आती हूँ। हेलो विजय, अक्षय ने आज फिर वही किया। क्या किया? शिवा उसी रेस्टोरेंट में था जहाँ अक्षय तुम्हें लंच के लिए ले गया, उसके बाद वहाँ तुम्हारी गाड़ी खराब हुई और अक्षय ने तुम्हें घर वापस भेज दिया। हाँ। गाड़ी को कुछ नहीं हुआ था, शिवा तुम्हारे पीछे ही था, और जैसे ही वहाँ से तुम निकली अक्षय ने गाड़ी स्टार्ट की और वहाँ से सीधे नंदिनी के घर में। हाँ। क्या हुआ विजय, किसका फोन था, क्या हुआ नंदिनी के घर में? नहीं नहीं, बस ऐसे ही। कैसा लग रहा है? नाइस है, काफी सजाया तुमने। हाँ, वेरी नाइस। आज जिंदगी में पहली बार अक्षय से छुपकर कुछ करने वाली हूँ। हमारे इन प्राइवेट लम्हों का चोरी से वीडियो बनाकर विजया को भेजूंगी, ताकि उसे ये एहसास हो जाए कि अक्षय सिर्फ मेरा है। क्या हुआ जाना, क्या सोच रहे? नहीं कुछ नहीं, ऐसे। आओ, आओ ना, तुम बिल्कुल रिलैक्स हो जाओ। आओ। थैंक्स। अब बैठो। अक्षय पानी। I'm so sorry। शर्ट निकालो, मैं आयरन कर देती हूँ। सूख जाएगा, सूख जाएगा। जिद मत करो, बीमार पड़ गए तो उतारो ना। सूख जाएगा, मैं करता हूँ।
हाँ नीति बेटा, आप नंदनी आंटी को क्या गिफ्ट दोगे? हाँ सोचिए ना, कोई ऐसी चीज जो आपको भी पसंद हो और नंदनी आंटी को भी। आइडिया, आपके बर्थडे पे कैसे मैंने नंदनी आंटी को इनवाइट करके आपको सरप्राइज दिया था, वैसे ही आप नंदनी आंटी के घर जाके उनको सरप्राइज दीजिए। नहीं नीति, हम वहाँ नहीं जा सकते। क्यों नहीं मम्मा, प्लीज मैं भी चलती हूँ आपके साथ, वो हमें देख के बहुत खुश हो जाएगी, खूब मजा आएगा। नीति मैंने मना किया ना कि हम नहीं जाएंगे वहाँ। क्यों नहीं जा सकते? क्योंकि वहाँ तुम्हारे पापा। पापा? पापा क्या मम्मा? वो नीति बेटा, आपके पापा कहते हैं ना कि जब तक हमें कोई इनवाइट नहीं करता हम उसके घर नहीं जा सकते, अच्छा नहीं लगता ना, इसीलिए है ना। इतनी देर हो गई, लगता है नंदनी दी और डॉक्टर अक्षय कुछ ज्यादा ही रोमांटिक हो गए। अगर इरफान भाई को पता चला कि मेरे कहने पर नंदनी दी ये सब कर रही हैं, तो भाई तो मुझसे नफरत करने लगेंगे। लेकिन मुझे फर्क नहीं पड़ता, मुझसे नफरत करनी है तो करे, लेकिन मैं इरफान भाई की मोहब्बत के आके नंदनी दी से घुटने टिकवा के ही दम लूंगी। शाबाश, यानी नन्ही दी कामयाब रही। अब जल्दी से इन दोनों के रोमांस का वीडियो विजय जी को भेजती हूँ, और एक दो दिन में जैसे ही इस बात को लेकर उनका डॉक्टर अक्षय से झगड़ा पड़ेगा, तब मैं डॉक्टर अक्षय को खबर करूंगी कि नन्ही दी ने चोरी से उनका वीडियो शूट किया था। फिर देखती हूँ कैसे वो नन्ही दी से नफरत नहीं करते। मैं तो उन्हें एक अच्छा सा हाउस बना के देने वाली हूँ, आपको भी कोई अच्छी सी गिफ्ट देनी चाहिए, कोई ऐसी चीज जो आपको भी पसंद हो और नंदनी आंटी को भी। बेटे, अक्षय कब तक घर आएगा? क्यों माँ? मैं डिनर की तैयारी शुरू कर रही थी, इसलिए पूछ रही हूँ। वहाँ आप लगा दीजिए, वो बस आ जाएंगे। विजया, बेटे तुम रो रही हो क्या? नहीं माँ, वो कोल्ड हो गया ना, तो बस उसी के कारण आँख से पानी आ रहा है। तो फिर डिनर के पहले मैं तुम्हारे लिए गर्मा गर्म चाय बनाती हूँ, अदरक वाली, थोड़ा रिलीफ मिलेगा तुम्हें। जी
ये किसका नंबर है? काली मिर्ची डाल दूं तुम्हारी चाय में? जी। अक्षय, क्या हुआ? नहीं नंदनी। लेकिन हुआ क्या है अक्षय? मुझे देर हो रही, मुझे घर जाना है। नहीं अक्षय, तुमने मुझसे प्रॉमिस किया था कि तुम मैंने प्रॉमिस किया था कि मैं सुबह से लेकर शाम तक तुम्हारे पास रहूंगा। सुबह तो नहीं आ पाया लेकिन शाम हो गई है, मुझे जाना है। अक्षय मेरी बात तो सुनो, लेकिन विजया, थोड़ी लौंग भी डाल दूं बेटे? जी माँ, मैं अभी आई। आज चाय मैं बनाऊंगी, वो भी स्पेशल वाली। मुझे तो पहले ही पता था डॉक्टर अक्षय को रोमांटिक मूड में ले आना आपके बाएं हाथ का खेल होगा, और इसमें उसका सबूत बनता है। शबाना वो ओहो, देखो तो जरा कितनी शर्मा रही हमारी नंदनी मैडम। घबराइए मत, इतनी तमीज है मुझ में, मैंने कुछ नहीं देखा। और हाँ, मेरे फ्रेंड ने सिम कार्ड दिया है, विजय जी को पता ही नहीं चलेगा कि ये वीडियो किसने भेजा है। शबाना एक मिनट, देखो हमारे बीच ऐसा कुछ हुआ ही नहीं जिसका वीडियो दिखाने लायक हो। क्या? हाँ पता नहीं क्या हो गया अक्षय को, अचानक उसे देर हो रही थी, उसे घर जाना था और वो चला गया। मैं कुछ क्या हुआ? मैंने वीडियो बिना देखे फिजा जी को भेज दिया। What? शबाना तुमने फिजा को? God! मतलब फिजा को अब तक पता चल गया होगा कि मेरे बड़े बड़े दावे करने के बावजूद अक्षय और मेरे बीच कुछ नहीं हो सका। Oh God! Thank you.
अक्षय आप आ गए, गाड़ी ठीक हो गई? गाड़ी? हाँ खराब हो गई थी ना। हाँ हाँ गाड़ी ठीक है। आप थक गए होंगे, मैं पानी लाती हूँ। नहीं विजय अब प्यास नहीं है, थैंक्स। अच्छा ठीक है, गीजर ऑन कर देती हूँ, गर्म पानी से नहाएंगे तो थकान मिट जाएगी। मैं ऑन कर लूंगा। आप हाथ मुंह धो लीजिए, मैं खाना भी लगा देती हूँ। और हाँ बेड पे मैंने आपकी नाइट ड्रेस निकाल के रखी है। नानी ने मुझे नई वॉच दी। नाइस। बिना देखे कैसे पता आपको? अच्छा तो अभी देख लेते हैं। वाओ नीति, इट्स सो प्रिटी, वेरी नाइस ना। चलो अच्छा। वो आपकी चाय। थैंक्स। नंदिनी दी, आई एम रियली सॉरी दी, कल मुझे जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए थी। वो वीडियो विजया जी को भेजकर मैंने आपका सारा खेल बिगाड़ दिया ना। दरअसल मुझे एक पल के लिए भी ख्याल नहीं आया कि आप डॉक्टर अक्षय को, आई मीन पूरा यकीन था मुझे कि आप दोनों के बीच बेडरूम में वो सब हुआ होगा जो आप विजया जी को दिखाना चाहती थी। यकीन तो मुझे भी था शबाना, सोचा तो मैंने भी यही था कि अक्षय को मेरे बिस्तर में मेरे बाहों में भर लूंगी और वो वीडियो अगर मैं विजया को दिखा दूंगी तो वो उसके मुंह पर एक करारा तमाचा होगा। लेकिन खैर कोई बात नहीं, अब की बार ये गलती नहीं होगी। अब की बार मतलब? इस बार वो सब होगा शबाना जो पहली बार नहीं हो सका। हाय, गुड मॉर्निंग इरफान। नंदनी आओ ना। बैठो। नंदनी कल के लिए आई एम रियली सॉरी। कल तुम्हारा बर्थडे था, तुमने इतना कुछ प्लान किया था लेकिन शायद मैंने तुम्हारा मूड। अक्षय प्लीज, तुम सॉरी क्यों बोल रहे हो? माफी तो मुझे मांगनी चाहिए। तुम्हें क्यों? क्योंकि प्लान तो मैंने यही किया था कि मेरा बर्थडे हम मेरे घर पर सेलिब्रेट करेंगे, बस तुम और मैं, हम दोनों होंगे सिर्फ और कोई नहीं। पूरा दिन हम एक साथ होंगे, एक दूसरे की बाहों में। लेकिन मुझे नहीं पता था कि इरफान आ जाएगा वहां। इरफान ने तो मुझसे यही कहा था कि वो पुणे जा रहा है, किसी कॉलेज में गेस्ट लेक्चर देने जा रहा था वो।
वो ये भी बोल के गया था कि वो मेरे बर्थडे पे नहीं आ पाएगा, इसीलिए तो मैंने शबाना को भी घर से बाहर भेज दिया। लेकिन पता नहीं इरफान को क्या हो गया, अचानक उसने अपना प्लान चेंज कर दिया और मुझे सरप्राइज देने यहाँ आ गया। इसीलिए वो घर पर ही था जब तुम घर पे आए थे, वरना मैं पूरा घर ऐसे रोमांटिक तरीके से क्यों सजाती बताओ। कम ऑन नंदिनी, तुम्हें ना इतनी सारी चीजें समझाने की जरूरत नहीं है, चिल। अच्छा वो सब छोड़ो, मुझे बताओ कल तुम मेरे घर आ सकते हो? बर्थडे पे जो गिफ्ट तुम मुझे नहीं दे सके थे कल दे देना, सुबह से शाम तक।